वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक लेटेस्ट वैकेंसी की जो कि अप्रेंटिसशिप के लिए रिलीज की गई है। ये जो वैकेंसी है ये आईटीआई के, जो आईटीआई अप्रेंटिस है उनके लिए भी है, ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्निकल अप्रेंटिस सभी के लिए है, और एक्स आईटीआई अप्रेंटिस के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी रिलीज की गई है। तो गाइस, कंप्लीट डिटेल इस वैकेंसी से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप लोग PMYT कोड का यूज कर सकते हैं। गाइस, PMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज हैं अकेडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है। साथ ही PMYT कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए गाइस, जान लेते हैं वैकेंसी से रिलेटेड और डिटेल्स। ये वैकेंसी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की तरफ से रिलीज की गई है। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आती है। तो गाइस, यहाँ पे जो वैकेंसी रिलीज की गई है वो एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट के ऊपर रिलीज की गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 249 रिलीज की गई है। जितनी भी अप्रेंटिस हैं सबकी टोटल वैकेंसीज मिलाकर के 249 है। तो एक बार इनका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह भी देख लेते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले कि कब से कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो वो चीज यहाँ पे गिवन है उसे देख लेते हैं। आप लोग 16 जुलाई से लेके 5 अगस्त तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेड अप्रेंटिस एक्स आईटीआई के लिए जो वैकेंसी रिलीज की गई है वो अप्रोक्स नंबर 163 यहाँ पे रिलीज किया गया है। आप लोग गाइस देख सकते हैं, जो प्लेसमेंट आपका होगा यहाँ पे वो कोलकाता और रांची के अंदर ही होने वाला है। और गाइस यहाँ पे आपकी ट्रेड वाइज वैकेंसी, मतलब ट्रेड वाइज आपका दिया हुआ है कि कौन सी ट्रेड के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। टोटल यहाँ पे 163 अप्रोक्स वैकेंसी निकाली गई है एक्स आईटीआई के लिए। आगे गाइज, यहाँ पे जो ड्यूरेशन रहेगा ट्रेनिंग का वो 12 मंथ्स रहने वाला है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर आप लोगों ने रिलेवेंट ट्रेड के अंदर यहाँ पे आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपके आप लोगों ने आईटीआई पास किया, यहाँ पे रिलेवेंट ट्रेड के अंदर आप इसके लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही गाइज, यहाँ पे एज लिमिट की बात करेंगे, एज लिमिट 14 ईयर्स रहेगी मिनिमम, मैक्सिमम 25 ईयर्स रहेगी। आप यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी इसे चेक कर सकते हैं। साथ ही गाइज, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले ही ट्रेनिंग ले रखी है अप्रेंटिसशिप की, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये कोई भी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है तो ये उसकी पहली कंडीशन होती ही है। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे गाइज ट्रेड अप्रेंटिस फ्रेशर। अगर आप लोगों ने अभी अभी अपनी आईटीआई कंप्लीट किया, फ्रेशर है, तो फिर आप लोगों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज है। 40 अप्रॉक्स वैकेंसीज आप लोगों के लिए भी रिलीज की गई है, जिसमें से ट्रेड फिटर, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिशियन, पाइप फिटर, मैकेनिस्ट, ये वैकेंसीज इन पोस्ट के ऊपर, इन ट्रेड के ऊपर यहाँ पे रिलीज की गई है। ड्यूरेशन यहाँ पे जो रहेगा आपका वो यहाँ पे लिखा है एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट। तो ये आपका एज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट रहने वाला है। ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड इन कोलकाता बेस्ड यूनिट ओनली। तो ये आपकी जो ट्रेनिंग रहेगी वो कोलकाता बेस्ड यूनिट्स के अंदर ही रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेंगी 10th पास होने चाहिए आप लोग, और आप लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हु हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, और अगर आप पहले ही अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंदर जा चुके हैं तो फिर इसके लिए आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लिखा हुआ है आईटीआई पास कैंडिडेट और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन आईटीआई एग्जाम आर नॉट एलिजिबल। यानी कि अगर आप लोगों ने आईटीआई की हुई है, आप लोग आईटीआई एग्जाम में बैठे हैं, तो फिर आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फ्रेशर इन द सेंस कि अगर आप लोगों ने 10th पास किया हुआ है तो फिर आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंदर अगर आप लोगों ने पहले कोई अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंदर एनरोल नहीं किया है और उसे कम्प्लीट नहीं किया है, तो एज लिमिट यहाँ पे 14 ईयर्स से 20 ईयर्स ही रहेगी। आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी इसे चेक कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे ग्रेजुएट अप्रेंटिस की। 16 अप्रॉक्स वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसिप्लिन भी मेंशन है आपके यहाँ पे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल। तो आपके यहाँ पे सब्जेक्ट वगैरह भी गिवन है जो चेक कर सकते हैं। ड्यूरेशन 12 मंथ्स रहेगी आपकी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी क्या है, आप लोगों ने यहाँ पे डिग्री ले रखी हो इंजीनियरिंग की और टेक्नोलॉजी की, और बाय स्टेचुरी यूनिवर्सिटी और बाय एन इंस्टीट्यूट एम्पावर्ड टू ग्रांट सच डिग्री। तो सिंपली आप लोगों ने डिग्री ली हो यहाँ पे इंजीनियरिंग की, आपकी रिलेवेंट जो स्ट्रीम है उसके अंदर, रिलेवेंट आप लोगों का जो कोर्स है उसके अंदर, तो आप लोग फिर इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। लिखा हुआ है कैंडिडेट्स हुए पास डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एग्जामिनेशन इन कैलेंडर ईयर 2022, 2021, 2020, तो आप लोग इसके लिए फिर एलिजिबल है। अगर आप लोगों ने 2020 से लेकर 2022 के बीच में ही अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है तो ही आप इसके लिए ओनली एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप लोग एलिजिबल नहीं है। पहले से कहीं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम कंप्लीट किया है तो एलिजिबल यहाँ पे नहीं है। कुछ गाइस यहाँ पे भी लिखा है स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन इंजीनियरिंग, वो भी एलिजिबल यहाँ पे नहीं है। एज लिमिट 14 ईयर्स से 26 ईयर यहाँ पे गिवन है। एज आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, बात करेंगे गाइस टेक्नीशियन अप्रेंटिस की। 30 अप्रॉक्स वैकेंसीज निकली हैं। डिसिप्लिन यहाँ पे गिवन है,
चेक कर सकते हैं। 12 मंथ्स रहेगा ड्यूरेशन आपका। एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगी, आप लोगों ने यहाँ लिखा एप्लीकेंट शुड हैव अ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ग्रांटेड बाय अ स्टेट काउंसिल और बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एस्टेब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट और बाय यूनिवर्सिटी इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्टेड फील्ड। तो गाइस यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने डिप्लोमा लिया इंजीनियरिंग के अंदर, तो आप इसके लिए फिर अप्लाई कर सकते हैं। लिखा हुआ है कैंडिडेट हु हैव पास डिप्लोमा, सेम रहेगा जैसे कि अभी ग्रेजुएट अप्रेंटिस करा है वैसे ही रहेगा, 2020 से 2022 के बीच में लिया है तो ही एलिजिबल है। अगर पहले ही आप लोगों ने कम्पलीट की हुई है तो एलिजिबल नहीं है। अगर आप लोगों ने पहले किसी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंदर एनरोल किया है तो एलिजिबल आप लोग नहीं है। एज लिमिट 14 से 26 ईयर रहेगी। सिंपली आप लोग चेक करते कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इसे भी। वैसे ये आपकी कंप्लीट डिटेल्स है। अब बात करेंगे आपकी यहाँ पे मंथली पेमेंट की, जो आपको स्टाइपेंड मिलती है उसकी। तो ट्रेड अप्रेंटिस फ्रेशर, तो फ्रेशर्स के लिए गाइस आपका 2 साल का रहेगा यहाँ पे गिवन है। फर्स्ट ईयर आपको 6,000 रुपीज मिलेगी मंथली और सेकंड ईयर में आपको 6,600 रुपीज मंथली पेमेंट मिलेगी। कोलकाता प्लेसमेंट रहेगी। ट्रेड अप्रेंटिस XITIs के लिए यहाँ पे जो है कोलकाता और रांची में प्लेसमेंट रहेगी। 7,000 आपको यहाँ पे कोलकाता वालों को मिलेगी और 7,700 रांची वालों के लिए मिलेगी। आगे देख लेते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस की बात करेंगे। कोलकाता 15,000 और गाइस यहाँ पे जो कोलकाता के अंदर ही 10,000 है और जो है टेक्नीशियन जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है। और रांची में अगर आप लोग टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हैं तो 9,000 आपके लिए पेमेंट मिलेगी मंथली। तो ये सारी चीजें गाइस यहाँ पे गिवन है, आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने की 5 तारीख रहने वाली है, 5 अगस्त। अप्लाई कहाँ से करेंगे, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.grse.in पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। होप सो गाइस सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। साथ ही दोस्तों अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन बेस्ट तरीके से अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए TMYT कोड का यूज कर सकते हैं। TMYT कोड जितनी भी कैटेगरीज हैं अकेडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है, वेदर इट इज UPSC, SSC, बैंक, रेलवे, CDS, FCAT, CAPF, स्टेट PSC, UGC, नेट, IIT, नीट, जितनी भी कैटेगरीज हैं अकेडमी ऐप के ऊपर उन सभी के लिए वैलिड है। तो आप लोग TMYT कोड लगा करके मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। चलिए गाइस फिर मिलते हैं।